हाय करना है, अभी करो। हाय, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी संक्रांति। और बोलो हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छा ठीक है, हैप्पी लोहरी बोल दो। हैप्पी लोहरी। हैप्पी लोहरी। हाँ अभी ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ। आज है मकर संक्रांति, तो आज है 15 जनवरी और हम लोग 15 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत जगह तो कल हो गया होगा, 14 को भी बहुत जगह सेलिब्रेट होता है, तो आज हम 15 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन नहा के ही खाना खाया जाता है। खाना मीन्स सुबह दही चूड़ा खाया जाता है। तो अभी हम लोग मैं नहा के यहाँ पर हीटर के पास सेक रही हूँ। हीटर के पास मैं यहाँ बैठी हूँ, ठंड लग रही है। और मम्मी किचन में है, वो कुछ टमाटर की चटनी वगैरह बना रही है, क्योंकि हम लोग वही जो मकर संक्रांति में जो है दही चूड़ा के साथ कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो मम्मी वो ही बना रही है, सारे टमाटर की चटनी बना रही है। और बच्चे भी नहाए नहीं है, सो के उठे हैं, पीछे शोर कर रहे हैं। और मकर संक्रांति जो है, अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नाम है, जैसे कि आसाम में बिहू कहा जाता है, माघ बिहू कहा जाता है। तो वहाँ का कल्चर के हिसाब से वहाँ पे चावल का पिट्ठा बनाया जाता है चावल के पाउडर से। और ये लोग इतना शोर कर रहे हो। और यहाँ पे पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है, हमारे यहाँ मकर संक्रांति। तो डिफरेंट रीजन में इसके डिफरेंट नाम हैं। और आज हमारे यहाँ शायद कोई मेला, छोटा सा फेयर लगता है, मेला लगता है, तो शाम को हम उसमें जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी नहा के मैं हीटर के पास सेक रही हूँ और हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। घर के पास बैठे हो आप, क्या करवा रहे हो आर्या? आल्टा। हाँ आल्टा लगवा रही हूँ। आल्टा लगा रही हो? मेला जाना है या? वो मेला से क्या खरीदना है? पतंग। पतंग उड़ाना है। और वो भी कौन सा कलर? पिंक कलर। लकड़ी वाले से ठीक है, डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर दो। अब मेरा बारी है, मेरी बारी है। छूट गया ओ तो ये, अरे यहाँ से तो ही होता है ना। देखो ना इधर हुआ है, तो इधर नहीं छूटा है ना, इधर हुआ है, ये कंप्लीट है, उस पैर का रह गया था। अब मेरी बारी है। ये कुछ खूबसूरत पल है, कुछ मोमेंट है, हम लोग शूट कर रहे हैं, जो माँ के अरुणाचल जाने के बाद इसको हम लोग याद करेंगे। इस वीडियो को खोल के माँ अरुणाचल में भी देख लेना। तो याद आएगा। नीचे गया ज़्यादा, ऊपर नहीं दिख रहा। पैर में लाल रंग लगाने से पैर और भी ज्यादा गोरा हो जाता है। क्या? पैर में लाल रंग लगाने से ना पैर और ज्यादा गोरा दिखने लगता है। फिर अच्छा हो जाता पैर। फिर सुंदर हो जाता पैर। इसलिए आलता मैं लगाता हूँ रोज। ये चावल और दाल जो कि हम लोगों ने नहा के छुआ है और इसको पंडित को दान किया जाता है। तो इसमें पैसे और मुड़ी का लड्डू और भी पोटैटो वगैरह सब कुछ मिला के पंडित को दिया जाता है। हमारे यहाँ एक मतलब रिवाज है मकर संक्रांति में, इस तरह से होता है। नहाने के बाद सुबह ये दाल चावल और सब्जी में जो पोटैटो है, आलू वगैरह एक साथ मिला के इसमें रख दिया जाता है, पैसे सारा कुछ पंडित को दान किया जाता है। तो यही है, अभी झूके इसमें रखा हुआ है। और यहाँ है चूरा, मैं चूरा निकाल रही हूँ।
ऐसे ही दूध दे देती हूँ, ये दही बना नहीं है। चटनी क्या मस्त बन गया है। देखिए मम्मी ने टमाटर की चटनी बनाई, टमाटर और आलू की, आलू और टमाटर की चटनी मम्मी ने बनाया, आलू उबाल के और टमाटर को पका के बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत टेस्टी लग रहा है। इसी के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हूँ। अभी 12 बज गए हैं और अभी मैं सो के उठी, मैं सोई थी बहुत देर से, ब्रेकफास्ट करने के बाद सो गई थी। और चेहरा थोड़ा सा फुला फुला स्वेलिंग लग रहा है पूरा, ये देखो यहाँ पे रेड हो गया है, मैंने लिप बम लगाया था यहाँ पे, रेड रेड हो गया है। तो मैं रेस्ट कर रही थी और देखो ये काफ़ी ग्रो कर गया है। मुझे करवाना है थ्रेडिंग, लेकिन मैं अभी नहीं करवाऊँगी, एक हफ्ते के बाद करवाऊँगी थ्रेडिंग, क्योंकि आँख बहुत दर्द होता है और थोड़ा सा और थोड़ा ग्रो कर जाए, ग्रो तो काफ़ी कर गया लेकिन बहुत पेन होता है इसकी वजह से, और थ्रेडिंग के बाद ना आँख में काफ़ी दर्द होने लगता है, इसलिए मैं अभी नहीं करवाऊँगी थ्रेडिंग, 2-4 दिन के बाद करवाऊँगी। और चलती हूँ किचन में, पता है मम्मा लंच बना रही हैं, तो देखते हैं क्या क्या लंच में बना है और लंच करेंगे अभी। यहाँ बन रहा है खाना, देखो जब तक मेरी मम्मी है मुझे बहुत आराम मिल रहा है और जाने के बाद क्या होगा मुझे काम करना पड़ेगा बहुत सारा। क्या बन रहा है, देखो बाल बिखर गए मेरे। आलू आलू मेथी का सब्जी बन रहा है, देखिए गाइस अंधेरा में दिखेगा, आलू मेथी का सब्जी बहुत अच्छा लगता है, अच्छी सी वाली, अच्छी वाली खुशबू आ रही है अभी। और दूसरे साइड इसमें क्या है, दाल, चावल बैठ गया इसमें कुकर में, दाल बन गया, दाल बनाए थे उसके बाद दाल को पलट दिया दूसरे बर्तन में और इसमें राइस बैठा दिया है कुकर में। और ये क्या बनेगा आलू का, मटर दाल बन जाएगा, आलू मटर का दाल, आलू मटर का दाल बन रहा है जो कि मेरा बहुत बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसको मसाला और अभी बाहर हुआ है धूप, तो चलते हैं बैठते हैं, ऑरेंज खाएंगे, ऑरेंज खाऊंगी अभी मैं। अरे बेटा शू पहन लो, अभी देखो थोड़ी सी धूप खिली है, सभी 12 बज रहे हैं और धूप होना अब हल्का हल्का सा स्टार्ट हुआ है, अभी अच्छा लग रहा है बाहर। अभी भी यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म वॉश हुआ है ना आज, प्लेटफॉर्म वॉश हुआ था है ना, पानी सूखा नहीं है अभी पूरा। अभी मनु अकेले खेल रहे थे, आपके फ्रेंड्स नहीं आए हैं आज, दीदी आई है बोल दो। अरे आपने पूरा देखो आपके पैंट में पूरा रंग लग गया है, रंग लग गया पीछे पीछे दिख रहा, आपको सामने नहीं दिखेगा, पैंट चेंज करना पड़ेगा। और आज मेला कौन कौन जा रहा है, अभी मनु मेला जा रहे हो, अब मनु मेला जा रहा हूं। अच्छा लग रहा है धूप में ऐसे वॉकिंग करने करके। देखो खा रही है अभी, आ जाओ खा रही है अभी। ऑरेंज मेरा बहुत ही फेवरेट है, मेरा सबसे फेवरेट वाला फ्रूट ऑरेंज ही है, और ये जो छिलके है ना ऑरेंज के, ये जो ऑरेंज के छिलके है ना,
ये भी बहुत यूजफुल होते हैं स्किन के लिए, और आप में से बहुतों को पता भी होगा इसको ड्राई करके इसका पाउडर पाउडर बनाया जाता है, और पाउडर बना के आप इसको एज ए स्क्रबर यूज कर सकते हैं। जैसे इसका ड्राई करके आपने पाउडर बना लिया, उसमें आप थोड़ा सा हनी ऐड कर दीजिए और गुलाब जल, थोड़ा सा बेसन, और अगर चाहें तो आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छा से, और बहुत गीला नहीं करना है, खाना बन रहा है तो उसी से खांसी आ रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है स्क्रबर को। ये जितना इंग्रेडिएंट्स अभी मैंने बताया सबको मिक्स करके आप अपने फेस पे स्क्रब कीजिए, तो फेस का जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन करता है, और जैसे कि फेशियल करने के बाद फेस पे ग्लो आता है एग्जैक्टली वैसे ही ग्लो इससे भी आता है। ऐसे मैंने कई बार किया भी है, और इस सीज़न में अच्छा धूप नहीं आ रहा है, नहीं तो इस सीज़न में मुझे फिर से सुखाना है। वैसे एक और तरीका है, अगर आप इसको इंस्टेंट यूज करना चाहें तो इसको जस्ट कच्चा ये जो छिलका है ना इसको डायरेक्टली आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दीजिए, और उसके बाद जो बाकी का इंग्रेडिएंट्स है जैसे बेसन और गुलाब जल हनी वगैरह मिला के उसे भी मिक्स करके वो भी एक स्क्रबर बन जाएगा, और उससे भी आप फेस की स्क्रबिंग करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा क्लीन होगा। तो ये बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इसको मैं फेंकूंगी नहीं, रखूंगी, मैं भी इसका इस्तेमाल करूंगी। यहाँ मैं लंच में बनने वाले खाने को आपको शो कर रही हूँ, ये है आलू मेथी की सब्ज़ी, और यहाँ टमाटर और आलू की चटनी जो कि मैंने पहले भी शो किया आपको, और ये राइस है, और यहाँ है आलू और मटर की दाल जो कि बहुत ही मेरा फेवरेट है, बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये है लंच मेनू, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ।